चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का। तो आज हम लोग दोस्तों मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इसको पता लगाया जाता है थियोरेटिकली। थियोरेटिकली मतलब पेन और कॉपी की मदद से जो वैल्यू कैलकुलेट करके आता है उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू है सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। मोलिकुलरिटी एक तरह का क्या है, संख्या है, जो जो क्या कहता है, रिएक्टिंग स्पीसीज का संख्या है। मोलिकुलरिटी रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, संख्या, जो एक साथ टकराते हैं और टकराने के बाद हम लोग क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन रिएक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। एटीजा मतलब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। मोलिकुलरिटी एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है और चार भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। मोलिकुलरिटी का वैल्यू तीन से ज़्यादा भी कभी नहीं होगा, क्योंकि एक साथ चार पार्टिकल का टकराना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा जो मोलिकुलरिटी वो तीन से ज़्यादा कभी नहीं होता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्या, अमोनियम नाइट्रेट। जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बाय प्रोडक्ट रूप में 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलता है और मेन प्रोडक्ट रूप में हम लोग को लाफिंग गैस मिलता है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज का संख्या कितना है, वन, तो वन लिख दिए। इसलिए मोलिकुलरिटी भी क्या होगा, वन। वन को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज का संख्या कितना है, टू। तो मोलिकुलरिटी हमारा, सॉरी, तो रिएक्टिंग स्पीसीज टू है, तो इसलिए मोलिकुलरिटी भी हमारा क्या हो गया, टू। टू का मतलब क्या हो गया, बाय मोलिक्यूलर रिएक्शन। टू मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मेन प्रोडक्ट रूप में 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज का संख्या हो गया 2 प्लस कोफिशियंट 1। 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3। इसलिए मोलिकुलरिटी बराबर होगा 3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन।